उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने वाराणसी में मीडिया से बातचीत में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर सरकार की मंशा और इसकी सफलता पर बात की। वहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन को लेकर डिप्टी सीएम बेहद आश्वस्त भी दिखाई दिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि मोदी जी की गारंटी वैन सभी जगह पहुंच चुकी है। प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन को मिल रहा है। वाराणसी के सभी वार्डों और गांवों में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है। वार्ड पूरी तरह से संतृप्त भी हो चुके हैं। मोदी की गारंटी वाली वैन हर वार्ड में पहुंच चुकी है। केंद्र व प्रदेश सरकारों की महत्वाकांक्षी योजनाएं भी जन जन तक पहुंचने में कामयाब रही हैं। भाजपा सरकार गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाब भी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तय किया है कि मोदी गारंटी वैन गांव-गांव पहुंचेगी, लाभार्थियों को सम्मानित भी करेगी। जिन्हें केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं मिला है, उनका भी रजिस्ट्रेशन वहीं कराकर योजनाओं से उन्हें आच्छादित कराने का काम भी किया जा रहा है। विकसित भारत की संकल्पना को लेकर पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में यात्रा निकाली जा रही है। आज वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा सभी गांवों में और वाराणसी शहर के सभी वार्डों में पहुंच रही है। वार्ड वाराणसी शहर के पूरी तरह से संतृप्त हो चुके हैं। सब जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी वाली वैन पहुंच चुकी है। केंद्र प्रदेश की जो हमारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, गरीब कल्याण योजनाएं, वो जन जन तक पहुंच रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि ये मोदी जी की गारंटी वाली वैन गांव गांव पहुंच करके लाभार्थियों को सम्मानित करेंगे और जिन भाई बहनों को केंद्र की माननीय मोदी जी की योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है, उनका वहीं रजिस्ट्रेशन करके उनको तत्काल लाभ दिलाएंगे। ऐसे सभी लाभार्थियों को आज हमने सम्मानित किया है। इसके अलावा जो हमारे भाई बहन लाभार्थी हैं और उनको अभी किसी कारणवश वो लाभ नहीं मिल पाया है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान भारत का कार्ड हो, पीएम स्वनिधि हो, ऐसे सभी योजनाओं से आज उन्हें रजिस्ट्रेशन करा के तत्काल आच्छादित कराने का काम किया जा रहा है। यूपी न्यूज 9 के लिए वाराणसी से सुजीत पटेल की रिपोर्ट।